फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन एंड फिर इस बेल बटन को जरूर क्लिक कर लो बॉस। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज प्रेरणा जैन, यू आर वाचिंग फिटनेस ब्यूटी मंत्रा एंड आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी। नाउ ओवरनाइट ओट्स होता क्या है, ये मोस्टली सब लोगों को पता ही है, आजकल बहुत कॉमन है, और बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि ओवरनाइट ओट्स कुछ भी नहीं है, ओट्स की एक रेसिपी है जो विदाउट कुकिंग आपको बनानी होती है। और जैसे मोस्टली जब आप ओट्स बनाते हो तो उसे दूध में या फिर जिस भी तरह से आप खाते हो उस चीज़ में उसको आपको पकाना होता है, उसे कुकिंग करनी होती है, कुक करना होता है। बट ओवरनाइट ओट्स में आपको कुकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे रॉ खाते हैं। और क्योंकि वो जब ओवरनाइट आप उसको रखते हो और एडिशनल इंग्रेडिएंट्स के साथ लाइक लिक्विड दूध हुआ, मिल्क आपका, कर्ड, योगर्ट, व्हाटएवर, जिस भी चीज़ के साथ आप उसको डाल के रखते हो, वो रात भर में उन सबकी सारी जो क्वालिटी वैल्यूज़ होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड आपको सुबह एक रेडी ओट्स मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, पावर पैक्ड होता है, हेल्दी होता है एंड बहुत ही ज़्यादा आपके एक मॉर्निंग को किक देता है आपके पूरे डे के लिए और बहुत लंबे टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए आपको फुल भी रखता है आपके स्टमक को। तो यही होता है ओवरनाइट ओट्स, और कुछ ऐसा इसमें साइंटिफिक कुछ ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सी रेसिपी होती है। बट इसमें आपकी क्रिएटिविटी आप किस तरीके से डाल सकते हो और कितने क्रिएटिव हो सकते हो, बस इस पर डिपेंड करता है। और ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हो और आप बाकी डे, रिमेनिंग डे जो आपका होता है उसमें अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करते हो और उसके साथ अगर आप इसको इंक्लूड करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, तो ये आपका एक आध के जी तो यूँ आपका वेट लॉस कर देता है। और बाकी तो फिर आप इसकी रेसिपी देखिए और जानते हैं कि ये कितना हेल्पफुल है और किस तरह के से इसकी रेसिपी बनती है। बट बिफोर हम रेसिपी जाने, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ऐसे जाओ, नीचे जाओ, वो रेड कलर का बटन है उसको ऐसे करके फोड़ दो, ठीक है, उसे दबा दो, और वो जो बेल बटन है उसे क्लिक करना मत भूलना आप लोग, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए वीडियो आगे देखने से पहले, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिए एक बहुत बड़ा सा, एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल मीडिया लिंक्स में से शेयर भी कीजिए। एंड आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करके कुछ भी क्वेश्चन, आपके क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी जानते हैं। तो गाइज, हमारा जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है ओट्स, और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ओट्स लिया है। मैंने ओट्स की क्वांटिटी कम इसलिए रखी है क्योंकि हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओट्स इतना ही लिया। आप चाहें तो क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओट्स लो इन फैट होता है, लो इन कैलोरी होता है एंड हाई इन फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये हमें जल्दी भूख नहीं लगने देता है। देन मैंने इसमें ऐड किया है 8 to 9 टेबल स्पून कर्ड। कर्ड जो होता है वो हमारे वेट लॉस के लिए इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को इम्प्रूव करते हैं। ये हाई इन प्रोटीन होता है डेयरी प्रोडक्ट होने के कारण। सॉरी गाइज, यहाँ पे मेरे कैमरे ने स्टॉप कर दिया था वर्क करना एंड जिसके वजह से मुझे पता भी नहीं चला, शूट नहीं हो पाया, तो मैं ये अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ। देन हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1/2 कप मिल्क, वो भी स्किम्ड मिल्क, फुल फैट मिल्क आप इसमें बिल्कुल नहीं यूज़ करिएगा। मिल्क जो होता है वो हाई इन प्रोटीन होता है जिसके कारण ये हमें भूख नहीं लगने देता है जल्दी। ये जो होता है विटामिंस और मिनरल्स से लोडेड होता है। देन हम इसमें 7 to 8 ऑलमंड्स मिक्स करेंगे। ऑलमंड्स जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन ई से भरपूर होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है जो जिसके कारण भी ये हमें जल्दी भूख नहीं लगने देता है और हमारे खाने की क्रेविंग को रोकता है।
नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत टेम्पटिंग इंग्रेडिएंट है वो है मैंगो। मैंगो जी हाँ बिल्कुल वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इसे सही टाइम सही तरीके से ले दो। मैंगो को मोस्टली अगर आपको वेट लॉस के लिए यूज़ करना है तो आप इसे मॉर्निंग के टाइम पे ही लीजिए अपने ब्रेकफास्ट में। मैंगो में जो होता है वो उसमें विटामिन सी एंड विटामिन बी सिक्स बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री फैट फ्री एंड सॉल्ट फ्री होता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं बनाना। बनाना में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जिसके कारण ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि ओवरराइप बनाना ना हो, हल्का सा ग्रीनिश बनाना अगर आप लीजिए एंड छोटे साइज का बनाना लीजिए तो बहुत अच्छा वेट लॉस करता है। देन हम यूज़ करने वाले हैं इसमें कैरेट। कैरेट जो होता है वो ग्रेट सोर्स होता है विटामिन ए का। ये फाइबर से भरपूर होता है जिसके कारण अगेन ये हमें जल्दी भूख नहीं लगने देता है और इसमें वाटर कंटेंट भी बहुत हाई मात्रा में होता है। देन हम इसमें ऐड करने वाले हैं चिया सीड्स। नाउ चिया सीड्स आप सबको ही पता है कि इसमें ओमेगा 3 बहुत ही हाई क्वांटिटी में अवेलेबल होती है और इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। यह हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। देन हम इसमें बीटरूट ऐड करेंगे और बीटरूट भी फाइबर से भरपूर होता है जिसकी वजह से ये भी हमें जल्दी भूख नहीं लगने देता है और ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपने ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी देख ली, अब आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने लाइफ में और ब्रेकफास्ट में और इसे अपने दिन की एक बहुत अच्छी और हेल्दी शुरुआत कीजिए। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करके। एंड ये सबसे ज़्यादा ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो लोग भी वर्किंग हैं प्रोफेशनल्स हैं और वो अर्ली मॉर्निंग लाइक उनके वर्किंग आर्ट स्टार्ट होते हैं और उनको ऑफिस जाना होता है। तो सबसे सिंपल है, रात में रखा सारा कुछ डाल के सारा काम करा, सुबह निकाला खा लिया, चलो भैया ऑफिस चलते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का। तो आप इसे बिल्कुल ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप इसे जब ट्राई करते हैं तो मुझे उसका भी रिस्पॉन्स बताइए कि कैसा लगा आपको ये। ठीक है, तो चलती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी रेमेडी टिप्स ट्रिक्स सारी चीज़ें लेकर के। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।